गुरुजी अखां विच सफेदी आई अखां विच सफेदी आई वेखदियां रात तेरा गोया कमले चैन न पावन Thank you.
दिन मैं दे सतगुरु पासो, एक दिन मैं दे सतगुरु पासो, एक दिन मैं दे सतगुरु पासो, एक दिन मैं दे सतगुरु पासो। Thank you.
एक दिन मैंने सतगुर पासों मैं प्रेम सुराही पीती पाग असाडे लिखी फकीरी सो मस्तक थर लीती पिछला जन्म अकारत खोया हर की भगत ना कीती आगे सामन चलो नंद लाला पाछे जो बीती सो बीती। श्री हजूर बाबा जी सियाड़ साहब वाले उन्हां दी पावन जाद दे अंदर लखाई पावे शकलां तकियां ने संसार ते लख शकलां तकियां ने कोई नजर मेरी विच खोदी नहीं ऐ सतगुर दीन दयाल मेरे तेरा नाम लिया बेड़ी डोबदी नहीं भावे सारा संसार इकट्ठा हो जाए बनता बनावे पर जिदे ते तेरी नजर है जिनको नदर कारण तिनकार नानक नदरी नदर निहाल उन्हां दी जिहड़ी बेड़ी है तू उन्हूं पार ला लैंदा आपदी कृपा द्वारा। समां बहुत घट है दीवान तिन ने अज पर आओ थोड़ा ही समां बहुता करके जाने हो। श्री हजूर बाबा जी ने साते तो रसना दे नाल भी नाम नहीं जपया जाता पर बंदगी करन वालियां दा कला रोम रोम ही नहीं ध्यौंदा। जो बोलत है मिर्ग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। बंदगी दे प्रताप करके ज्यादा वधा जाप वध जांदा है। बाबा फरीद जी कहिंदे फरीदा बलिहारी तिन्ना पंखियां जंगल जिन्ना बास कंकर चुगन थल वसन रब न छोड़न पास। हर हट भी तू तू करे बोले भली मान ये क्यों मंजिल बनी उन्होंने अवधी सुरत नू नाम दे नाल जोड़ लिया। साड़ी सुरत नहीं जुड़ी है हले जिन्हों की सुरत जुड़ गई भाई कन्हैये वर्गियां नू कोई दुश्मन नजर नहीं आया। असी अपने आप नू धार्मिक कहाउने आ सानू बाणी पढ़न वालियां विच भी रब नहीं दिंदा है। किन्ना क मन मैल है जुगा जुगा दियां मैलां लगियां ने महापुरश की जिहड़ी ताकत है कोई पूर्ण महापुरश मिलदे जीवन दे अंदर संत ज्ञानी गुरबचन सिंह जी महाराज पिंडरां वाले जिन्होंने कथा की है गुरु ग्रंथ साहब महाराज की सब ते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा। पर निम्रता किन्नी सी अज तो असी फते बुलाउण नूं तैयार नहीं हाँ किसी नूं ऐ ऊठ मंगू मूँह चके ने तां सत्कार साढ़े हिरदे च नहीं रहा। मरिंडे उतरे मरिंडे कहिंदे प्रेमियो चलो अज मैं तुहानूं एक ब्रह्म ज्ञानी दे दर्शन करावां। मन साचा मुख साचा सोए
अब न पिखे एक सुबिन कोई नानक ही लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। किथे गए संत महाराज संत अजीत सिंह जी नथमलपुर वालियां कोले। वो एक ऐसे महापुरुष होए ने जेड़े आप किते नहीं गए, उन्होंने दर्शन करन बाबा नंद सिंह महाराज बाबा ईश्वर सिंह झोलना वाले राड़े वाले महाराज जी सारे साधु उन्हां कोले जांदे सी। उन्हां दी मौज सी, उन्हां दा कोई निजमी ऐसा सी भी अपने आसन ते बराजदे सी। तो उह संत गुरबचन सिंह जी महाराज पिंडरां वाले साधु दी ताकत किन्नी है, अज असीं साधु शब्द दे निंदक बन चुके हां। तो उत्थे कबरां वाली पिंड है मुकसर दे इलाके च, उत्थे एक टेक सिंह नौ दा प्रेमी महापुरशां नूं लियाउंदा, दस वीह दिन कथा कराउंदा। अज जद सवेरे महापुरशां कोले आया, नमस्कार कीती, चेहरा बड़ा उदास है। जिहड़ा चेहरा है ये इंसान दे मन दा मीटर है। जे मन दे अंदर खुशी है तां चेहरे ते भी खेड़ है, जे मन दे अंदर उदासी है तां चेहरा भी उदास है। तो वह प्रेमी जद बैठिया, महापुरश कहिंदे वी की गल है, टेक सिंह तेरे सदे आए हैं, ठीक है नगर पंचायत नाल है, पर तू उदास काते है? इत्थे तां रोंदे आउंदे ने ते हसदे जांदे ने। कहिंदे महाराज साडे इलाके दा तीजा सिंह बदमाश है, लड़ लड़ाइया झगड़े चारे पासे उहदे, मेरा उहदे नाल केस चलदा है। अज साडी आखरी तरीक है मुकसर कोर्ट च, उत्थे मैं केस जित जाना है ते उहने हार जाना है, क्योंकि जमीन मेरी है, मैं सच्चा। पर उहदे नाल 25-30 बंदे होने ने, उह इन्ना खर दिमाग बंदा है, उह नफा नुकसान नहीं सोचदा, कोई उहदे कर्म ही इन्ने माड़े ने। उहने महाराज मैनू कोर्ट चों बाहर नहीं निकलन देना, मेरे गोली मार देनी है। उन्हें गोली मार देनी है मेरे महापुरश। बाबा जी कहंदे नानक कचड़ियां स्यों तोड़ टोंड, सजन संत पक्या ओए जीवन दे विछड़े, ओए मोया ना जाई छोड़। कहंदे टेक सिंह साधु दरगाह च भी आपदियां नूं छड़ा लैंदे ने, इत्थे की गल है? चल बैठ, गड्डी अंबेसडर हुंदी बिठा लिया, कचहरियां च लै गए, मूहरे खड़ गए रब दे प्यारे। आहा हा, गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहंदे मेरा सिर रहे चाहे ना रहे, ऐ ब्राह्मणो मैं तुहाडी बाह नहीं छड़दा, मैं तुहाडा जंजू नहीं लैण दंदा हाँ। बाहे जिन्ना दी पकड़ी है, 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 पकड़िए, बाहें जिन्ना दी पकड़िए, सिर
बाहें जिन्हों की पकड़ी है सिर दीजे बाहें ना छोड़ी है। अज मिलदा है कोई ऐसा कोई लभदी है गल किते सिर दीजे बाहें ना छोड़ी है। गुरु तेग बहादुर बोलिया तर पई है तर ना छोड़ी है। कहंदे टेक सिंह साधु तां दरगाह चों भी छड़ा लियांदे ने जमां तो नरकां तो केड़ी गल है तेरी बांह पकड़ी है असी पर होना पैंदा किसे दा तू किसे दा बन जा बन के देख इत्थे इक कुछ उत्थे इक कुछ उत्थे इक कुछ मिलना की है तैनूं बाकी सब दे हो हो देख लिया एक तेरा ही होना बाकी है किते बन जा किसे दा। तो उस वेले उस आनंद के अंदर खड़े ने महापुरश जेडे एक होंगे ने ना खूंखार लोग इन्होंने दिमाग भी होंगे टेक सिंह देख के 25 बंदे नाल रफला टायर दे ओले महापुरशां दी गड्डी दे बह गया जाके लुक गया। महापुरश कहिंदे टेक सिंह क्यों डरना ये तो लिखिया पे जितने आनी है आनी कोई किसी को मार सकता घबरा रहा तू क्यों घबराने। तो उस वेले जब तीजा संघ आया जब उन्हें महापुरश बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने खड़िया नु देखिया उन्हां दी ताकत है उन्हां दी शक्ति है जे कौड़ थुंबे मिठे होण गिदड़े खा जाण दुनिया टिकण दिंदी है किते। महापुरश खड़े ने रब दे प्यारे वीर रस है बस उसी वेले चरनी डिग पिया नमस्कार कीती। महापुरश कहंदे कहंदे तेजा सिंह सदा संसार ते नहीं रहना इत्थों चले जाना जिवें स्वामी जी दा शेर आउंदा ना मना छड़ दे गर्भ गुरूरिया नू कई अपनी छोड़ जगीर तुर गए इत्थे करके हुक्म अदालतां नू बड़े हो के निरप वजीर तुर गए रोंदी दुनिया जिन्हां नू याद करके छोड़ महफलां पीर फकीर तुर गए जदों आ गया बख्त दरबार सिंगा ब्रह्म भक्ते छोड़ तकरीर तुर गए अमोग बाण कहंदी करदा तां है झगड़े लड़ाइयां दीन गवाया दुनी स्यों दुनी ना चाली साथ पाए कहाड़ा मारिया गाफल अपने हाथ ही कर्म बीज रहे भोगे बिन भागे नहीं कर्म गति बलवान तेनू इन्हां दे जिदने लेखे देने पैने ने सारिया नालों बड़ा पाप किसी दा हिरदा दुखी करने तू उस बंदगी करन वाली दा संगत सेवा करन वाली दा हिरदा दुखी करने ए तेजा सिंह उत्थे माफिया नहीं मिलनिया तेनू ओदियां सजावां बड़िया करनिया ने बदिया छड़ दे गाफला बदिया छड़ दे गाफला बदिया छड़ दे
ਤਾਣਨਗੇ ਤੇਰੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਜੰਜੀਰ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਈਰਖਾ ਦਵੈਸ਼ ਝਗੜਿਆਂ ਨਾਲ ਬਦਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦੱਸ ਟੇਕ ਸਿਓ ਖੜੇ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੱਕ ਦਬ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜੂ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੰਨ ਲੈ ਸਾਡਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਬਚਨ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ ਇਹ ਛੱਡਦੇ ਲੜਾਈਆਂ ਝਗੜੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਸੱਪ ਨੇ ਡੰਗ ਮਾਰਨਾ ਛੱਡਤਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਪੱਠੇ ਵੱਢੀ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਫਰਾਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕਥਾ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਤੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖੀ ਸਾਂਦੀ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਝਗੜੇ ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈ, ਬੱਤੀ ਮਾਲਾ 40 ਦਿਨ ਰੋਜ਼ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਰ ਲੈ। ਜੇ 40ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਆ ਕੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਕਹੇ ਛੱਡ ਦੂੰ। ਬੋਲੋ ਸਤਨਾਮ। ਐਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲਾ, ਬਸ ਉਹ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਚਰਨੀ ਡਿੱਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਮਨ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਹੀ ਜੋੜਨਗੇ ਟੁਕੜੇ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਦੇ ਮਨ ਦੇ, ਟੁਕੜੇ ਤੇਰੇ
सचो कंचन पयो शब्द गुरु सरबणे सुनयो बिखते अमृत होयो नाम सतगुरु मुख बण्यो लोहयो होयो लाल नदर सतगुरु जत तारे पहन मान करे एहु गुरगान बिचारे आओ अमृत छकाउंदा हुंदा सी फेरो तेजा सिंह बदमाश सी जेड़ा गुरसिख बन गया है बोलो सतनाम महापुरशां दा प्रताप किते अमृत परी दृष्टि पै जावे किसे ते अमृत दृष्ट पीखै होए आए साधु बना देता सारे इलाके नु पता है तो आओ बड़े प्रेम नाल आपने संत बाबा धर्मपाल सिंह जी जिन्हां ने आप संगतां दे सहयोग नाल गुरमुख परिवार बड़ी महाराज दी बख्शिश हो गई सहज पाठ होए बाणी दा कथा कीर्तन बाबा जी हरविंदर सिंह जी होणा ने भी हाजरी भरी आप जो भी संगत आए सब दा धन्नवाद एक घंटा सुबह एक शाम जरूर परमेश्वर दे ध्यान विच बैठिया करो जानने तो मेरा भी मन नहीं करदा पर अगे ड्यूटियां ने संत महाराज जी खन्ने बने मेल लाइयां होईयां जिन्हां चिर जीवन है कृपा रखण इसे तरह ही उन्हां दा बख्शिया कीर्तन हुंदा रहे होईयां भुल्लां चुक्कां दी खेमा वाहिगुरु जी का खालसा श्री वाहिगुरु जी की